हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। आज बात करेंगे एमपी फार्मेसी काउंसिल में यदि आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के कितने दिन बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। और साथ में आपको रजिस्ट्रेशन का मैसेज और डेट सभी चीज़ें दिखाएंगे, तो वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। साथ में आपके फार्मेसी ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में ज़रूर शेयर कर दें ताकि सभी दोस्तों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और सभी दोस्तों को मालूम हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पे एमपी फार्मेसी काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुका हूँ। अब आपको दोस्तों, यदि आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएशन फर्स्ट फेज में अप्लाई करना रहता है। इसके लिए एक वीडियो मैं बना रखा हूँ जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और आगे चलिए शुरू करते हैं, वीडियो से जुड़े रहें। उसके लिए दोस्तों, यदि आप ये प्रोफाइल आपकी बना लेते हैं फर्स्ट पेज में, तो इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना रहता है, यहाँ पे आना है लॉगिन वाले ऑप्शन में और यहाँ से क्लिक करके लॉगिन वाले पेज में आपको पहुँच जाना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो इसका पेज ओपन होके आता है इस तरह से रहता है। यहाँ पर आपका यूजर टाइप में स्टूडेंट डालना है, इसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर और ये कैप्चा फिल करके दोस्तों आपको लॉगिन वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। सबसे पहले आपके पास में ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर नंबर पे, और उस ओटीपी से और आपके मोबाइल नंबर से आपका ये लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको लॉगिन करके आपको सबसे पहले एप्लीकेशन डेट दिखा देता हूँ और रजिस्ट्रेशन कब आया है वो भी दिखाएंगे, साथ में दोस्तों मैसेज भी दिखाऊंगा, तो वीडियो से जुड़े रहें। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस मेहनत को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई नोटिस और अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए आगे अपन चलते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं एप्लीकेशन डेट और कितनी फीस लगती है वो भी बता देते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे फर्स्ट फेज क्रिएट प्रोफाइल कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जब आप अप्लाई करने जाते हैं या सेल्फ करते हैं तो इस तरह से आपको रिसीप्ट प्राप्त होती है एमपी फार्मेसी काउंसिल से, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। और आप यदि एमपी ऑनलाइन के माध्यम से कराते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर उसका नाम, ट्रांजेक्शन आई डी, डेट सभी इंक्लूड रहता है आपके रिसिप्ट में। तो आप यहाँ देख सकते हैं सर्विस का नाम है फार्मेसी काउंसिल और ये आपका एप्लीकेशन नंबर इस तरह से होता है दोस्तों, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी हो जाती है। अब यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन आईडी डेट है दोस्तों, जब आप अप्लाई कर देते हैं तो जो रिसिप्ट में डेट मिलती है एप्लीकेशन की डेट, तो यहाँ देख सकते हैं 20/11/2021 को एप्लीकेशन डेट है इसमें। उसके बाद यहाँ पे पोर्टल फ़ी और जीएसटी सब मिला करके, और ये कि उसका नाम दोस्तों, और इधर जो अमाउंट है आप राइट साइड में देखेंगे यहाँ पर, तो 3100 रुपये लगा था दोस्तों आपका जीएसटी इंक्लूड करके। और पोर्टल चार्ज दोस्तों, जो भी एमपी ऑनलाइन का है, 100 रुपये या 50 रुपये एक्स्ट्रा और लग सकते हैं, वो चीज़ें आपके डिपेंड रहेगा। और यहाँ पे जो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आपको पे करनी रहती है तो 3100 रुपये पे करनी रहती है। अब चलिए दोस्तों, इसके बाद आपको ट्रैक कैसे करना है आपके यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके, तो नेक्स्ट फेज में चलते हैं, वीडियो से जुड़े रहें दोस्तों। जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं आपका पेज, तो उसके बाद इस तरह से आपका लॉगिन और पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे सारी डिटेल रहती है दोस्तों इसके जस्ट ऊपर, लेकिन मैं यहाँ पे हाइड कर रखा हूँ, जैसे कि पर्सनल डिटेल रहती है तो यहाँ पे इसके ऊपर जस्ट पर्सनल डिटेल आपकी रहती है। लेकिन जो आपको ट्रैक करने का ऑप्शन है वो आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में। तो यदि आप शुरुआत में अप्लाई वाले आप अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद जब आप लॉगिन करते हैं तो इस तरह से पेज ओपन होकर आता है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें दोस्तों कम रहती हैं शुरुआत में। जैसे कि आपका सबसे पहले यहाँ पर आएगा आपके पास में फ्रेश रजिस्ट्रेशन डुप्लीकेट आएगा, रिसिप्ट वाला ऑप्शन ये आएगा। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन ट्रैकर है, ये दो सबसे शुरू में आते हैं। उसके बाद दोस्तों ये एनओसी वाला और रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन और ये डाउनलोड फ्रेश रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये चीज़ें बाद में आती हैं आपके आईडी में। तो दोस्तों, जैसे आप यदि इसमें कंप्लीट हो जाता है, तो कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपके पास में मैसेज आता है। मैसेज भी दोस्तों, जैसे ही आप वेरीफाई करवा लेते हैं फर्स्ट टाइम, तो उसका भी मैसेज आता है। उसके बाद जब भी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, उसका हर बार आपको 2 से 3 मैसेज आएंगे दोस्तों, जब जब आपका प्रोसेस होगा नेक्स्ट बढ़ेगा। इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा हूँ दोस्तों, तो आप देख लीजिएगा लिंक में, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक और आई बटन में भी मिल जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों दिखा देते हैं आपको मैसेज किस तरह से आते हैं आपके ईमेल आईडी में। तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं, आपके पास जो ईमेल आएगा आपकी ईमेल आईडी में इस तरह से आएगा, डियर एप्लीकेंट, योर फार्मेसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैज़ बीन जनरेटेड फॉर एप्लीकेशन नंबर, जो आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा दोस्तों इस तरह से रहता है। यहां पे कुछ मैं हाइड कर रखा हूं,
और लॉगिन टू या फार्मेसी काउंसिल के एमपी ऑनलाइन के जो लॉगिन करने की वेबसाइट है, लिंक है, इसमें आप डायरेक्ट जाके ट्रैक कर सकते हैं। और जैसा कि आपको दिखाया हूँ, अब चलिए दोस्तों आपको दिखा देते हैं आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आगे का। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना रहता है डाउनलोड प्रेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट पेज ओपन होता है इस तरह से ओपन होता है दोस्तों। यहाँ पे इस तरह से आपका डाउनलोड डिजिटल प्रेस रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको व्यू फाइल में आपको क्लिक करना रहता है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो रजिस्ट्रेशन ओपन होकर आएगा इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा दोस्तों। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो इस तरह से आपके सामने रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। और आजकल दोस्तों रजिस्ट्रेशन क्या होता है, आपके आईडी में जो भी आपकी फार्मेसी काउंसिल वाली आईडी रहती है उसमें से डायरेक्ट डाउनलोड हो जाता है। और आजकल ये रजिस्ट्रेशन बाई डॉक या कोरियर नहीं आता है, तो आपको डायरेक्ट आपके लॉगिन करके आपकी फार्मेसी वाले आईडी से डाउनलोड कर लेना है, जैसा कि आपको प्रोसेस में बता दिया हूँ। अब दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होके आता है जनरेट होके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जनरेट डेट है 2/2/2022 को ये जनरेट हो गया था दोस्तों, लेकिन जो इसकी डिजिटल साइन है वो हुई है आज की डेट में, जैसा कि आपको मैसेज में दिखाया हूँ। आगे और दिखा देता हूँ। और दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका रहता है यहाँ पे, दिस इज़ सर्टिफाइड डेट, यहाँ पर नाम आपके, यहाँ पे सन ऑफ है या डाटा रैप या वाइफ ऑफ है जो भी है, यहाँ पे आपके फादर का नाम, आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे में ये बार कोड आता है आजकल इस तरह से, और यहाँ पे आपका फ़ोटो रहता है। और यहाँ पे आपको दिखा देते दोस्तों जो डिजिटल साइन कम्प्लीट हुई है आज ही की डेट में कम्प्लीट हुई है, और आज ही मेरे पास मेल आया था। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं डेट जो है 24 मार्च 2022 की है, और आगे आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों आप यहां पे ईमेल को देख सकते हैं जो बल्क में ईमेल आया है, ये 14:50 पे आया दोस्तों। ये मेरा जो टाइम है मोबाइल का, मैंने 24 आवर्स का सेट कर रखा हूं, तो यहां पे 2:50 का मेल आया हुआ है। और इसके बारे में जैसा कि आपको पहले बता दिया हूं, और यहां पे आप देख सकते हैं अप्लाई डेट जो थी दोस्तों यहाँ पर तो 20/11/2021 को थी, और जो स्लॉट बुकिंग डेट थी यहाँ पर 7/1/2022 को स्लॉट बुकिंग डेट मिली थी। जिस दिन आपका वेरिफिकेशन होता है उसी दिन का दोस्तों स्लॉट बुकिंग होती है, स्लॉट बुकिंग डेट के दिन ही आपको जाना रहता है भोपाल में वेरिफिकेशन के लिए। और इसका वीडियो बना रखा हूँ दोस्तों स्लॉट बुकिंग कैसे करते हैं, तो उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके इसको देख लीजिएगा स्लॉट बुकिंग कैसे करते हैं। क्योंकि दोस्तों ये स्लॉट बुकिंग है बहुत लंबे समय ट्राई करना पड़ता है, एक दिन से लेके 4-5 दिन या तो फिर लंबे डेट में दोस्तों मिलती है, जैसे कि 2-3 महीने आगे आपको डेट मिलती है स्लॉट बुकिंग की। और दोस्तों मुझे जो स्लॉट बुकिंग मिली थी यहाँ पे करीब 1.5 महीने में मिली थी, लेकिन बहुत कम लोगों को ऐसी स्लॉट बुकिंग मिलती है। और मैं दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू ट्राई किया था स्लॉट बुकिंग के लिए, करीब 3-4 दिन बुकिंग के लिए ट्राई किया था, तब जाके स्लॉट बुकिंग हो पाई थी 7/1/2022 को। अब यहाँ पे दोस्तों आपको जो दिखा दिया हूँ आज की डेट में जो ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होके आया है, तो आप देख सकते हैं कितने दिन लगा है कंप्लीट होने में। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं करीब 4-5 महीने बाद ये कंप्लीट हुआ है रजिस्ट्रेशन। और दोस्तों यहाँ पे डिजिटल रजिस्ट्रेशन में जो समय दिया गया है यहाँ पे 14:50 दिया गया है, तो आप देख सकते हैं पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने में दोस्तों कितना समय लग जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।